फ्रेंड्स, आज इसको हम NH5 में हाईवे में टेस्ट करने वाले हैं। हाईवे पे और लॉन्ग राइड जा रहा हूँ। देख लो इसकी रीडिंग अब 1115 किलोमीटर से लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। देखते हैं, अंधेरा हो जाएगा शायद, फिर भी देखते हैं। हाईवे में टेस्ट करूँगा और विलेज रोड्स में भी टेस्ट करूँगा। सब टेस्ट करके आपको इसका कम्प्लीटली कितना माइलेज आता है देख के आपको बता दूँगा। ओके, स्टे ट्यून। ये गाड़ी फर्स्ट गियर में 38 आ जाती है, सेकंड में आइए। और गाड़ी तो मस्का है, हाईवे में अच्छे से जा रही है। ये हमारी सिटी का NH5 नेशनल हाईवे 5 है। आप जैसे देख सकते हो हमारी सिटी में एक और शोरूम कार आ रहा है, MG हेक्टर कार शोरूम ओपन हो रहा है जल्दी में। सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं, हाईवे में बोल सकते हैं इतना फास्ट नहीं है। फास्ट 60-65 मैक्स जाता है, कंपनी क्लाइम करती है 75 तक जाती है करके। हालांकि मैंने जब नई नई गाड़ी लिया था 75 जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो कैलिब्रेशन का इशू आया था मेरा। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो क्या हुआ था करके। तो आफ्टर कैलिब्रेशन ये 65 मैक्स जाती है, उसके ऊपर नहीं जा रही है। बस देखते हैं करके। आज पहली बार हाईवे में कंप्लीट हाईवे और विलेज रोड्स में टेस्ट किया है लॉन्ग राइड के लिए। मेरे सिस्टर गए थे, हमारे रिलेटिव एक है उनके घर गए थे, आंटी के घर गए थे। तो सनसेट हो रहा था एक तरफ, सोचा कि चलो देखते हैं नाइट में भी एक कैसे परफॉर्म करती है, उसकी लाइटिंग कैसी रहती है, समझ के एक प्लान किया। तो जाने आने में कुछ 51-52 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है। मैं बता दूंगा कि कितना बैटरी कंज्यूम हुआ है और कितना बचा हुआ है, सब आपको मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल में बता दूंगा। एक्चुअल कितने किलोमीटर्स गया हूँ ये सब आपको बता दूंगा, कहाँ कहाँ पे। इको मोड तो मैं कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, तो आप भूल ही जाओ मैं कि मैं इको मोड का रीडिंग बता रहा हूँ करके। मैं सिर्फ और सिर्फ स्पीड मोड ही यूज़ किया और टर्बो भी यूज़ किया, तो तब जाके जो माइलेज मेरे को आया मैं वो आपको बताऊँगा। इको मोड यार कौन चलाएगा यार, 38 किलोमीटर्स और हाईवे में या सिटी में भी 38 किलोमीटर्स जाना, मतलब इट इज़ बोरिंग, कौन चलाएगा। तो इसलिए देखते हैं कितना देती है माइलेज, आपको मैं बता दूंगा। एक और मेन बात, जब आप बाजू में से कोई स्पीड से लाड़ी या कार टेक ओवर करती है ना, तब एकदम से गाड़ी थोड़ा बहुत शेक हो रही है। ये स्टेबिलिटी का इशू थोड़ा बहुत है। ये आप देख सकते हो कि मैं हाईवे में साइड में जाता हूँ सेफ्टी के लिए, वही बेहतर होता है। लेकिन डर भी रहता है कि अगर कोई ज़्यादा से 120 स्पीड पे आके ओवरटेक करने से गाड़ी थोड़ा अनस्टेबल फील हो रहा है। चलो अब हाईवे से उतर के हम जाते हैं, लेकिन ध्यान से आजू बाजू में देखिए, अगर कोई व्हीकल नहीं आए तभी क्रॉस करना पड़ेगा। ये लोग कड़पा की RTC बस भी जा रही है। अब तो हम वेंकटाचलम में है, ये कसमूर के लिए रोड जाता है, जो छोटा सा विलेज है आंध्र प्रदेश के स्टेट में आता है और नेल्लूर के ज़िला में आता है। तो देखते हैं अब यहाँ से हम सर्विस रोड में है, सर्विस रोड से डायरेक्ट लेंगे हम विलेज का रोड आता है, देख के बताता हूँ कैसा परफॉर्म करती है, क्या करती है। इसमें इश्यूज भी है यार, ऐसे नहीं है कि ये अच्छा जाते हैं, लेकिन गाड़ी का परफॉर्मेंस बोलूँ तो ज़बरदस्त है, स्मूथ है, सब कुछ है।
लेकिन इशू से है, मैं जो बोला था ना सस्पेंशन के साइड आउट साइड स्टैंड में, तो मैं भी सेंटर साइड सॉरी सेंटर स्टैंड सस्पेंशन में साउंड आ रहा है करके मैं कंपनी में, मतलब वो शोरूम में क्या एक 10 बार मैंने एक गाड़ी अपनी रखा था, लेकिन देर इज़ नो सोल्यूशन। हालांकि एक बार मैंने रखा था तो 30 किलोमीटर उन्होंने यूज़ कर लिया, कुछ वेट सामने डाल के मेरा फ्लोर मैट, वो जो मैट रहता है फुट स्टेप्स के पास, उसका डैमेज किया उन्होंने, स्क्रैचेस डाल दिए, इतना सब कर दिया। ये लो कसमूर, ये लो आर्च आ गया, कसमूर का आर्च, इसमें से एंट्री लेते हैं हम। सच अ ब्यूटीफुल रोड फुल ऑफ ग्रीनरी, यहाँ पे देखो जे, यहाँ पे रिवर है, आपको शायद कैमरा में नज़र नहीं आता लेकिन ड्राइव करते हो तो मैं बहुत मज़ा लिया। ये रोड बहुत ही अच्छा है, मतलब पहले 5-6 ईयर्स बैक मैं यहाँ पे आया था तो फुल खड्डे वड्डे, रोड इतना गंदा था कि रात में ट्रैवल करना दिक्कत हो रही थी, उसी डर से मैं सोच के निकला। लेकिन यहाँ पे आते ही आई वॉज शॉक कि रोड एकदम से सुपर्ब कर दिया उन्होंने। हरियाली तो पहले भी ऐसे ही थी और भी अब पहले बहुत ज़्यादा थी। अनफॉर्चुनेटली जुगनू बोलते ना, वो भी मैं नाइट में देखता था। अनफॉर्चुनेटली अब कुछ भी नहीं दिख रहे ड्यू टू पोल्यूशन, यहाँ पे तो ले वोट्स आ गए सब आ गए, लेकिन फिर भी यार थोड़ी बहुत ग्रीनरी तो यहाँ पे भी है। इट मेक्स मी वेरी हैप्पी, मैं जब भी ऐसे रोड्स में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि नेचर के, मतलब हम सिटी में रह रहे के नेचर से दूर हो गए, तो कभी कभी ऐसे जाना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ऐसे जाने से। तो हाँ, अब बात है गाड़ी पे, मेन मुद्दे पे, मैंने कहीं भी एको मोड यूज़ नहीं किया, टोटल स्पीड मोड मैंने यूज़ किया नॉन स्टॉप। भाई रिटर्न होते होते रात हो गई, बहुत रात हो गई, अब तो टाइम 8 या 8:30 हो गया है। देखते हैं नाइट में इसका विजन कैसा है, इसका लाइट फोकस कैसा है करके। मेरे को डिसेंट लगा, इट इज़ नॉट वाव, बट एक्टिवा जितना गंदा भी नहीं है, तो डिसेंट लाइटिंग है। आप जैसे देख सकते हो फोकस अच्छा ले रहा है, मैं हाई बीम में डाल के चला रहा था, मेरे को लाइट में कोई दिक्कत नहीं दिखी। बस हाँ, आप जब भी हाईवे में जाते हो ये एक बात ध्यान रखो, इसका स्टेबिलिटी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है स्टेबिलिटी में, मतलब वेटलेस है ना सब। बैटरी फाइनली रीच होम, घर आ गया हूँ। जब स्टार्ट हुआ था 1115 था, जब घर पहुँचा 1166, तो टोटल 51 किलोमीटर्स। 51 किलोमीटर्स के लिए 2 पॉइंट्स बर्न हो चुके, बिलियनर के साथ गया था मैं, तो अब 3 पॉइंट्स बचे हुए। 3 पॉइंट में ओनली 1 पॉइंट पे डिपेंड हो सकते, लास्ट 2 पॉइंट ओनली 7 to 10 किलोमीटर्स देती है, तो टोटल हो गया है 80 किलोमीटर्स, विच इज़ गुड। मैं स्पीड मोड में 80 गया हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।